हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आरके एग्जाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 3 के एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन हैं वो सभी डिस्कस करूंगा। और फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम और बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं लेवल 2 के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आपको जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो डायरेक्टली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20, व्हाट इज लिटरेसी रेट अमंग द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पूछा गया है जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसकी जो 2019-20 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन का जो लिटरेसी रेट है इंडिया में वो कितने परसेंट है। सही आंसर होगा 70.10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2021 विद हुज कोऑपरेशन द इंडियन आर्मी एस्टेब्लिश्ड ए क्वांटम लेबोरेटरी इन मध्य प्रदेश। पूछा गया है दिसंबर 2021 में इंडियन आर्मी ने किसके साथ मिलकर एक क्वांटम लेबोरेटरी बनाई है मध्य प्रदेश में। सही आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट के साथ। सत्यराम रियंग ऑफ त्रिपुरा हु वाज ऑनर्ड विद पद्मश्री 2021 अवार्ड इज ए फेमस। पूछा गया जो सत्यराम रियंग है वो त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, उनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, वो कौन है। सही आंसर होगा वो एक फेमस होजगिरी डांसर है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट वाज द ग्लोबल बर्थ रेट इन द ईयर 2022। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2022 में जो ग्लोबल बर्थ रेट है वो कितना है। सही आंसर होगा 17.98 जो है पूरा वर्ल्ड वाइड ग्लोबल बर्थ रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वर्क विहान एंड नव अग्रवाल वर अवार्डेड द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2021। पूछा गया है जो विहान और नव अग्रवाल है उनको इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2021 दिया गया, उनको ये किस काम के लिए दिया गया। फॉर टैकलिंग पोल्यूशन इन देयर होम सिटी रिसाइकलिंग हाउस होल्ड वेस्ट, इस काम के लिए ये उनको दिया गया। विच गवर्नमेंट हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टू गो 100% पेपरलेस। पूछा गया है कौन से देश की गवर्नमेंट है जो पूरे वर्ल्ड में जो 100% पेपरलेस बन गई है, बिना पेपर के वहाँ पर पूरा काम होता है। सही आंसर होगा दुबई गवर्नमेंट। द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इन जून 2021 टू इंक्रीज डिजिटल एजुकेशन अमंग स्टूडेंट्स एंड रिड्यूस द डिजिटल डिवाइड बिटवीन एलाइड एंड अनएफिलिएटेड सेक्टर्स। पूछा गया है ऐसी कौन सी स्कीम है जो कि लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने जून 2021 में लॉन्च की है, जो ये स्कीम है ये इंक्रेज करेगी डिजिटल एजुकेशन को स्टूडेंट्स के बीच में, और जो डिजिटल डिवाइड है एलाइड और अनएफिलिएटेड सेक्टर्स के उसको भी ये ख़त्म करेगी। तो सही आंसर है इसका युआन टैब, युआन टैब की जो ये स्कीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज अवार्डेड द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा किनको स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड जो दिया गया है। सही आंसर होगा मीराबाई चानू को। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ सुगर केन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। 2020-21 के लिए जो कौन सा स्टेट है जिसका हायर कंट्रीब्यूशन है सुगर केन की प्रोडक्शन में, ये बताना है आपको इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य। लक्ष्य सेन वन द मैंस सिंगल्स फाइनल इन 2022 इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग होम। पूछा गया है जो लक्ष्य सेन है उन्होंने 2022 का जो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसमें मैंस सिंगल्स का टूर्नामेंट जीता है, तो इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने हराया है लोह किन यू को।
अकॉर्डिंग टू द US एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन विच कंट्री वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन इन द ईयर 2020। पूछा गया है 2020 साल में US एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कौन सा कंट्री है जिसकी पहली रैंक है किन टर्म्स में, ऑयल प्रोडक्शन के टर्म्स में। तो सही आंसर होगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पहली रैंक है। विच पॉलिटिशियन वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 फॉर द प्ले मीर जाफर ओ अनन्या। मीर जाफर ओ अनन्या ये एक प्ले का नाम है, इसके लिए किनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया और ये एक पॉलिटिशियन है। सही आंसर हो गया भरतया बसु को। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 विच प्रोडक्ट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन इंडियाज इम्पोर्ट्स। 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट शेयर है जो इंडिया के इम्पोर्ट में, वो किस प्रोडक्ट का है। सही आंसर होगा क्रूड पेट्रोलियम का। इन अप्रैल 2021 द वाइस प्रेजिडेंट एड्रेस्ड द 600th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ सरला दास। ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ विच लिटरेचर। पूछा गया जो अप्रैल 2021 में जो हमारे वाइस प्रेजिडेंट है वेंकैया नायडू जी, उन्होंने 600वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो है सेलिब्रेट की सरला दास की। और ये सरला दास पूछा गया है किस लिटरेचर के ये ग्रेट स्कॉलर हुए हैं। सही आंसर होगा उड़िया लिटरेचर के। अकॉर्डिंग टू द 5th नेशनल फिल्म फैमिली हेल्थ 2019-21 विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। पूछा गया जो 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ 2019-21 के बीच, इसमें कौन से इंडियन स्टेट है जिसकी हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है। सही आंसर होगा मिजोरम का। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट बॉलर टू टेक द 400 विकेट्स इन T20 क्रिकेट ड्यूरिंग द ICC T20 वर्ल्ड कप 2021। पूछा गया है जो ऐसा कौन से यंगेस्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने 400 विकेट पूरे किए हैं T20 क्रिकेट में, और इन्होंने ये विकेट जो है ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान पूरे किए हैं। सही आंसर होगा राशिद खान। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच कंट्री कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट्स इन इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2021। पूछा गया है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार जो है कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा इंडिया के इम्पोर्ट्स में जो है योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया, किस पीरियड के दौरान, ये किया है अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान। तो सही आंसर होगा चाइना। चाइना का सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इंडिया के। हु वन द मैन ऑफ द मैच टाइटल इन द फाइनल ऑफ अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। 2022 का जो अंडर-19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, उसके फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का टाइटल किसे मिला। सही आंसर होगा राज अंगद बाबा को। इन अगस्त 2021 विच कंट्री टुक डिसीजन टू रिपील UAS रूल्स 2021 एंड रिप्लेस इट विद लिबरलाइज्ड ड्रोन्स रूल्स 2021। पूछा गया है कौन से कंट्री है यानी मिनिस्ट्री पूछी गई है, सॉरी, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने US रूल्स को जो है चेंज कर दिया और उसके स्थान पर लिबरलाइज ड्रोन रूल्स 2021 जो है वो लेकर आई है। तो ये मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री आएगा यहाँ पर, तो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये रूल्स को चेंज किया है। इन नवंबर 2021 विच रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड ए न्यू पॉपुलर ऑनलाइन टॉक सीरीज कॉल्ड स्ट्रीमबोट। स्टीमबोट नाम है इसका, विच इंटीग्रेट्स द आर्ट्स विद स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। पूछा गया कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने नवंबर 2021 में एक न्यू पॉपुलर ऑनलाइन टॉक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्टीमबोट। याद रखेंगे, इसका नाम भी पूछा जा सकता है, और जो कि आर्ट्स को स्टेम के साथ इंटीग्रेट करता है। ये जो ऑनलाइन टॉक सीरीज है ये आर्ट्स को स्टेम की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो उस जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है HBCSC TIFR मुंबई, याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। पूछा गया जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है
उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट का सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है जो टोटल प्रोडक्शन ग्राउंड नट का है और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान, ये रहा है गुजरात का। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम विच कंट्री हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन लिविंग इन स्लम्स इन द ईयर 2018, 2018 का ये सवाल है, पूछा गया 2018 में जो कौन सा ऐसा कंट्री है जो जिसकी जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो स्लम्स एरिया में रह रही थी, और ये रिपोर्ट पूछी गई है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये देश है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडोप्ट ए 4.5 डे वर्क वीक, पूछा गया कौन सा ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड का पहला कंट्री जिसने 4.5 डे वर्क पर वीक जो है उसको एडोप्ट किया, यानी एक हफ्ते में सिर्फ वर्कर्स को 4.5 दिन यानी 4.5 दिन काम करना पड़ेगा, तो ये देश है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। विच कंट्री रैंक्स लास्ट इन द 2021 वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, पूछा गया कौन सा कंट्री है जिसकी 2021 वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में लास्ट रैंक है, सही आंसर होगा सोमालिया, सोमालिया की जो है लास्ट रैंक है 2021 के वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में। इन दिसंबर 2021 गौतम चिंतामणिज बुक द मिडवे बैटल मोदी द रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म वाज रिलीज बाई होम, पूछा गया जो दिसंबर 2021 में 21 में जो गौतम चिंतामणि है उनकी एक बुक है, बुक का नाम भी आप याद रखेंगे और ऑथर हैं गौतम चिंतामणि, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द मिडवे बैटल मोदी द रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, इस बुक को किसने रिलीज किया, तो ये क्या वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे उन्होंने। इन जून 2021 इंडिया एंड विच कंट्री हैड साइंड एन MOU टू डेवलप कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज वेस्ट मैनेजमेंट एटसेट्रा टू ओपन न्यू एवेन्यूज ऑफ बायलेटरल कोऑपरेशन, पूछा गया है जून 2021 में इंडिया और किस कंट्री ने एक MOU साइन किया जिसके तहत जो है ये क्लाइमेट चेंज और वेस्ट मैनेजमेंट का जो फील्ड है उसमें एक कोऑपरेशन करेंगे और एक न्यू एवेन्यू होगा ये बायलेटरल कोऑपरेशन का इन कंट्रीज के बीच, तो ये देश है भूटान के साथ। When was the Digital Parliament App launched to view the activities related to parliamentary proceedings in the Indian Parliament? पूछा गया है जो Digital Parliament App है उसको लॉन्च किया गया, उसको कब लॉन्च किया गया है, जो कि ये ऐप है इसमें हम पार्लियामेंट्री की जो प्रोसीडिंग्स हैं जो उनके काम है उनकी कार्यवाही है उसको जो है एक्टिविटीज को देख सकेंगे उनकी, तो ये लॉन्च की गई है ऐप जनवरी 2022 में। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल राइस प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2019, 2019 साल के लिए इंडिया की ग्लोबल राइस प्रोडक्शन में कौन सी रैंक थी, तो ये थी सेकंड रैंक इंडिया की। फॉर विच नोवेल नमिता गोखले वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2021, कौन सी नोवेल के लिए नमिता गोखले को साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 मिला, तो ये नोवेल का नाम याद रखेंगे थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इमार रदुकानु रिसिपियंट ऑफ BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 प्लेज विच स्पोर्ट्स, पूछा गया जो इमा रादुकानु है उनको मिला है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ ईयर अवार्ड 2021, तो वो कौन सा खेल खेलती हैं, सही आंसर होगा टेनिस, टेनिस की एक प्लेयर है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर पर एरिया रिलेटिव टू इट्स इंटायर जियोग्राफिकल एरिया, पूछा गया है जो 2021 की इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सी यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर स्टेट नहीं पूछा गया है यूनियन टेरिटरी पूछा गया है जिसका हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है उसके एरिया के विद रिस्पेक्ट में, सही आंसर होगा लक्षद्वीप का। विच कल्चरल फेस्टिवल वाज इंक्लूडेड इन द 16th सेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ यूनेस्को हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम 13 to 18 दिसंबर 2021, कौन सा कल्चरल फेस्टिवल है जिसको जो यूनेस्को का जो लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की उसमें शामिल किया गया है, जो कि ये फंक्शन है ये हुआ था 13 से 18 दिसंबर 2021 के बीच,
तो ये कल्चरल फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, इसको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। हु वन द BWF वुमेन्स पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? जो BWF वुमेन्स पैरा बैडमिंटन प्लेयर का अवार्ड है 2021 का, वो किसने जीता है? सही आंसर होगा लियनी रात्रि ओक्तिला, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019, विच स्टेट वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन 2018-19? जो इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट है जो कि बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर रहा है 2018-19 के दौरान? सही आंसर होगा उड़ीसा राज्य। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ द इंडिया इन द पीरियड अप्रैल टू नवंबर 2021? इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार कौन सा कंट्री है जो इंडिया का जो अप्रैल से नवंबर 2021 के बीच का पीरियड है इसके दौरान सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्ट पार्टनर रहा है? तो सही आंसर होगा USA। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द मिशन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेम डार्ट? जो डार्ट मिशन है वो कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? सही आंसर होगा NASA ने। इन जनवरी 2022 डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन हैज बीन अवार्डेड द पद्माश्री इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, हु इज सी? पूछा गया जो जनवरी 2022 में सुबन्ना अयप्पन को जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो ये कौन है? तो जो सुबन्ना अयप्पन है ये एक एक्वाकल्चर साइंटिस्ट है इंडिया की। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्री वाज नॉट इंक्लूडेड, नॉट पूछा गया है, इन द टॉप 3 वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन 2020? जो 2020 साल है उसमें कौन से देश को जो है टॉप 3 प्रोड्यूस जो वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है उनमें शामिल नहीं किया गया है? और ये रिपोर्ट है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये कंट्री है कनाडा, कनाडा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो रहे हैं वीट प्रोडक्शन में चाइना, इंडिया और USA। इन जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्च एन इनिशिएटिव कॉल्ड साथ इज रिलेटेड टू होम, जो साथ इनिशिएटिव है वो जम्मू एंड कश्मीर में उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये साथ है जो स्कीम यानी इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वुमेन से। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक विच कंट्री वाज द कंट्री विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द ईयर 2020? पूछा गया है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कंट्री है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थी 2020 में? सही आंसर होगा मोनेको कंट्री। इन जनवरी 2022 विच इंडियन चेस प्लेयर वन द वार्गनी कप चेस टूर्नामेंट? जनवरी 2022 में कौन से इंडिया के चेस प्लेयर हैं जिन्होंने वार्गनी कप चेस टूर्नामेंट जीता है? तो ये प्लेयर हैं MR ललित बाबू। देवेंद्रा मेवाड़ी वाज अवार्डेड द चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड 2021 फॉर विच प्ले? जो देवेंद्रा मेवाड़ी जी हैं उन्होंने चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड जीता है 2021 का, तो ये कौन से प्ले के लिए, किस नाटक के लिए इन्होंने जीता है? तो ये नाटक का नाम है साइंस इन ड्रामा यानी नाटक में विज्ञान। वाट परसेंटेज ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट हैज been set aside for the startups and private entities in union's budget 2022-23 for the financial year 2022-23? जो यूनियन बजट 2022-23 है उसमें कितने परसेंट जो बजट है उसको डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए रखा गया है, और ये डेवलपमेंट रिलेटेड है स्टार्टअप्स और प्राइवेट एंटिटीज से, तो ये है 25% इसका बजट है। इन विच मंथ द प्रेजिडेंशियल असेंट वाज रिसीव्ड फॉर द कंपल्सरी डिफेंस सर्विसेज बिल 2021? पूछा गया जो 2021 का कंपल्सरी डिफेंस सर्विस बिल है उसके लिए जो असेंट हुआ, जो वो अप्रूव हुआ, वो कौन से मंथ में प्रेजिडेंट से अप्रूव किया गया? तो ये हुआ अगस्त 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुमेन साइंटिस्ट हैज बीन ऑनर्ड विद पद्माश्री इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग इन 2022?
2022 में जो साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में है वो किस वुमेन साइंटिस्ट को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये वुमेन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर संगमित्रा बंदोपाध्याय। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द ईयर 2020, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल, इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड वाइंड एनर्जी कैपेसिटी, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड? पूछा गया जो 2020 तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल है उसने जो रिपोर्ट दी है उसमें वाइंड पावर की जो कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसमें इंडिया की क्या रैंक है? तो ये है 4th रैंक इस डाटा के अकॉर्डिंग। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2021 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? 2021 की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो ये है 139। इन दिसंबर 2021 विच अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया वाज अवार्डेड द यूनेस्को एशिया पैसिफिक फॉर द कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन? कौन सा प्रोजेक्ट है इंडिया का जो रिन्यूअल प्रोजेक्ट है जिसको दिसंबर 2021 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए अवार्ड दिया गया? तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन जून 2021 द फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट वाज लॉन्च्ड बाय साइंस एंड रिसर्च बोर्ड इन एसोसिएशन विद होम। पूछा गया है जून 2021 में जो एक फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसको लॉन्च किया गया साइंस एंड रिसर्च बोर्ड के साथ। रिसर्च बोर्ड ने इसको जो है लॉन्च किया, तो ये किसके साथ मिलकर इसने लॉन्च किया? तो ये किया इंटेल इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इन अगस्त 2021 नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट इन टोक्यो ओलंपिक्स? नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो कि अगस्त 2021 में उन्होंने जीता, तो ये किस फील्ड में किस स्पोर्ट्स में जीता? तो ये जीता है जेवलिन थ्रो में। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन नवम्बर 2021? नवंबर 2021 में कौन से कंट्री ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है? तो ये किया है रसिया ने। वेयर वाज द 16th G20 समिट हेल्ड? 16वां G20 समिट जो है वो कहाँ पर हुआ? ये हुआ रोम इटली में। इन सितंबर 2021 तमिलनाडु गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड विच डे एज महाकवि डे टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फ्लैम्बॉयंट पोएट एंड फ्रीडम फाइटर सुब्रमण्यम भारती। पूछा गया, देखिए ये लेवल 2 में भी क्वेश्चन आया था, वहाँ पर इसकी डेट पूछी गई थी और उनका नाम भी पूछा गया था, यहाँ पर भी डेट पूछी गई है किस डेट को ये मनाया गया। तो ये महाकवि डे है जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 11 सितंबर को जो है डिक्लेयर किया है और ये डेथ एनिवर्सरी है जो पोएट और फ्रीडम फाइटर हैं सुब्रमण्यम भारती की। तो यहाँ से महाकवि डे 11 सितंबर इसकी डेट और किन की डेथ एनिवर्सरी है सुब्रमण्यम भारती। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद रखने होंगे, कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 विच स्टेट वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द ईयर 2019-20? जो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 है उसके अकॉर्डिंग जो आयरन ओर है उसका सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा जो स्टेट है? और ये 2019-20 के दौरान पूछा गया है, तो ये उड़ीसा है। देखिए जो इंडियन मिनरल ईयर बुक से जो काफ़ी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम का आंसर उड़ीसा ही है, तो ये आपको याद रखना होगा। इंडिया वन दी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 बाई डिफीटिंग विच कंट्री टीम? इंडिया ने जो अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता है वो किस टीम को हरा कर जीता है, फाइनल में किसको हराया? तो ये हराया श्रीलंका को। विच स्टेट वाज द लार्जेस्ट बैलेंस रिकवरेबल रिजर्व ऑन शोर ऑफ क्रूड ऑयल? कौन सा स्टेट है जो कि सबसे जो रिकवरेबल रिजर्व है क्रूड ऑयल का? तो ये सही आंसर होगा असम। असम में सबसे जो पुराना क्रूड ऑयल का प्लांट है पेट्रोल का वो भी है डिगबोई में। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन विच कंट्री वाज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन इन द ईयर 2020? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार कौन सा देश है
जो कि स्टील प्रोडक्शन में 2020 में सबसे फर्स्ट रैंक पर है, फर्स्ट नंबर पर है। तो ये कंट्री है चाइना। अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेलवेज ईयरबुक 2019-20, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल रूट किलोमीटर्स बाय द एंड ऑफ ईयर 2019-20। पूछा गया जो इंडियन रेलवेज ईयरबुक रिलीज हुई 2019 से 20 के बीच, उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट है रैंक में, किनके टर्म्स में, टोटल रूट किलोमीटर्स की टर्म्स में। तो ये है उत्तर प्रदेश। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड टिल मार्च 2021, विच कंट्री हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेज स्पोकन इन द रीजन। पूछा गया है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कंट्री है जहां पर मार्च 2021 तक जो है जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुए है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो ये देश है पपुआ न्यू गिनी। विच कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज लीगल करेंसी। कौन सा कंट्री बना है सबसे पहला कंट्री पूरे वर्ल्ड में जिसने जो है बिटकॉइन को एक लीगल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया है। तो ये कंट्री है एल सेल्वाडोर। हु इज द ऑथर ऑफ बुक लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। किनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। बुक का नाम है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। तो ये इनकी ऑथर है कविता राव जी। According to the information received till March 2022, who was the leader of House in the Rajya Sabha? March 2022 तक जो information है उसके according राज्यसभा में leader of house पूछा गया कौन है। तो ये है पीयूष गोयल। अवनी लेखरा विनर ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पैरा एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 प्लेज विथ स्पोर्ट। जो अवनी लेखरा जी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था उनको अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पैरा एथलीट वुमेन ऑफ ईयर अवार्ड 2021 के लिए। तो ये कौन सा खेल खेलती हैं। तो ये शूटिंग का खेल खेलती हैं। हु हैज़ डायरेक्टेड द फिल्म कोंजांगल। कोंजांगल नाम की फिल्म है जो उसको किसने डायरेक्ट किया है। विच वन दी और इस मूवी ने जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है एशियन फिल्म कंपटीशन कैटेगरी में कौन से इवेंट पे। ये इवेंट था 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन जनवरी 2022। तो इनके डायरेक्टर है पीएस विनोद राज। वेयर वाज द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO इन दिसंबर 2021। पूछा गया है जो DRDO के द्वारा जो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम डेवलप किया गया है उसकी सक्सेसफुल लॉन्च कहां पर की गई। तो ये की गई है उड़ीसा में। व्हाट वाज द इंडियाज प्लेस इन द मेडल टैली ऑफ 14th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड IOAA 2021 ऑर्गेनाइज बाय कोलंबिया इन नवंबर 2021। जो कोलंबिया के द्वारा नवंबर 2021 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया गया उसमें इंडिया की क्या रैंक रही मेडल टैली में। तो इंडिया रहा वहां पर फर्स्ट रैंक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज़ वन द डेविस कप 2021। 2021 का डेविस कप का टूर्नामेंट किस कंट्री ने जीता है। यह जीता है रसिया ने। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 विच कंट्री इज द कंट्री विद द मोस्ट जेंडर इक्वलिटी। पूछा गया 2021 की जो जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसके अनुसार कौन सा कंट्री है जो कि मोस्ट जेंडर इक्वलिटी वाला कंट्री है। तो ये है आइसलैंड। अकॉर्डिंग टू द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर 2019। 2019 साल के लिए जो कौन सा स्टेट है जिसका हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी IMR हाईएस्ट है ये पूछा गया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये स्टेट है मध्य प्रदेश। विच ट्रेडिशनल डाई पेंटेड फिगरेटिव एंड पैटर्न टेक्सटाइल गोट जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग इन 2021। 2021 में
कौन सा एक ऐसा डाई पेंटेड फिगरेटिव पैटर्न टेक्सटाइल है जिसको GI टैग मिला है? तो ये सही आंसर होगा कारोपुर कलमकारी पेंटिंग, इसको ये GI टैग दिया गया है। हु इज़ द ओनली इंडियन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट्स कमीशन टिल 2025? पूछा गया है कि इनको इंडिया के जो ओनली इंडियन है, इनको जो है अभी हाल ही में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो एक मेंबर एथलीट है वो इनको बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है, और ये 2025 तक इसके मेंबर बने रहेंगे। तो ये है पुसारिया वेंकटा सिंधु, पुसारिया वेंकटा सिंधु को जो है BWF का मेंबर बनाया गया है और ये पहले इंडियन है, ओनली इंडियन है इस जो क्लब है इसमें। ओके तो फ्रेंड्स, ये हमने क्वेश्चन जो है Level 3 का एग्ज़ाम था जो RRB NTPC, उसमें जितने भी उसकी शिफ्ट हुई थी उन सभी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।